नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू आवर शो चर्चा अखबारों की। कुणाल जी, आज शुरू करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से। नमस्कार। टाइम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट हेडलाइन, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में ही आज न्यूज है, हर इनफैक्ट आज के हर अखबार का एक ही हेडलाइन है, बघेल इन जेल इन सेक्स सीडी केस, और उसके आगे है कांग्रेस प्लान्स स्टार्ट। तो भूपेश बघेल जी के जेल में जाने का कारण शायद उन्होंने क्या बेल का के लिए अप्लाई नहीं किया। कुणाल जी कुछ बताएंगे इसके बारे में? और भूपेश जी ने कल पार्टी हाईकमान से चर्चा की और पार्टी हाईकमान ने जब उनको हरी झंडी दी कि आप जमानत मत लीजिए, तब भूपेश बघेल ने निर्णय लिया कि वह अब जेल जाएंगे। जबकि उनके दो जो साथ जो अन्य दो अभियुक्त बनाए गए थे, एक कांग्रेस नेता विजय भाटिया और दूसरा पत्रकार विनोद वर्मा, इन दोनों को कल शाम की ही जमानत मिल गई। काफी हो हल्ला भरा रहा पूरा जो शाम था शहर का। भूपेश बघेल जी भारी हंगामे के बीच, कार्यकर्ताओं का हुजूम था, कार्यकर्ताओं ने तो चाबी भी निकाली थी उनकी गाड़ी की और उनको ले जाने नहीं दे रहे। फिर अंततः पुलिस रॉन्ग साइड से उनको जेल ले गई। और आज कांग्रेस का जो है जेल भरो आंदोलन है, उसके अब कितने क्या नतीजे आते हैं? आज का रायपुर में शायद है और 27 को पूरे सभी जिलों में उसके बाद होगा। तो आज का कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी इनफैक्ट जुट रहे हैं रायपुर में, और उनका प्लान है कि वो जाएंगे रायपुर सेंट्रल जेल। तो इस पे आगे जो भी डेवलपमेंट होगा इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। बिल्कुल। एक और बहुत इंटरेस्टिंग हेडलाइन नहीं है, पर शायद ये भी हेडलाइन बनने लायक था अगर। अच्छा, भूपेश जी की गिरफ्तारी नहीं रहती तो टाइम्स का हेडलाइन हो सकता। बिल्कुल, जरूर होता, बिकॉज दिस इज पेट्रोल प्राइस हिट्स ऑल टाइम हाई, टचेज ₹90 मार्क इन मुंबई। 90 रुपए। बिल्कुल कुणाल जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, निफ्टी बिलो 11,000, सेंसेक्स लूजर्स 536 पॉइंट्स। तो ये तो बहुत ही ग्लूमी सब कुछ लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि पेट्रोल की प्राइसेस तो लग रहा है 100 भी पार करेंगे, ज्यादा दूर नहीं लग रहा है इस दिन। ज्यादा दूर है, क्योंकि जैसा एक प्रकार से व्हाट्सएप में मैसेज चल रहे थे कि लोग अपने अपने हिसाब से गणित बता रहे थे कि उनकी जेब में 300 रुपए का ही खर्चा है, और 300 रुपए का तो वो जो भक्तगण है, भक्त कह रहे थे कि रजनीगंधा खा के थूक देते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु भक्तों को मैं बताना चाहूंगा, पेट्रोल और डीजल वह आवश्यक वस्तु है जिसके कीमतें बढ़ने से सब्जियों, दूध, फल फ्रूट के साथ साथ अन्य आवश्यक सामानों का मूल्य भी बढ़ता है। तो पेट्रोल देखिए, सिर्फ आपकी जो गाड़ियों के ही टंकी का रेट नहीं बढ़ाता, वह अन्य आवश्यक वस्तुएं जो कि दैनिक उपभोग की वस्तु है उनका रेट भी पेट्रोल बढ़ाता है। और निश्चित रूप से आप भी बताएंगे कि आपके जो किचन है, जो रसोई, उसके बजट में भी पेट्रोल बहुत, बहुत मतलब बिल्कुल आग सी लग गई है। जैसे यहाँ पेट्रोल के प्राइस में क्या आग लगी है, सिलेंडर के प्राइस में आग लगी है, तो हमारे बजट में बिल्कुल आग लग गई है। और उतना ही क्यों, ये जो सेंसेक्स लुढ़कता जा रहा है इस तरह से, तो बिजनेस सेंटिमेंट्स इट सीम्स इज एट एन ऑल टाइम लो, एंड इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली डिमोनिटाइजेशन और जीएसटी तो रहा ही है। साथ ही साथ ये रुपीज का जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड बिल्कुल हो गया, पेट्रोल के बढ़ते प्राइसेस, ये तो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति बन गई है। निश्चित रूप से अब हम शायद चालू करते हैं इस अखबार को। मैं वैसे रोज प्रतिदिन सबसे पहले उठाता हूँ, आज देखते हैं इनमें अंदर क्या खबर है। दैनिक भास्कर, जी हाँ, दैनिक भास्कर रायपुर एडिशन में छापता है, 3 माह से रजिस्ट्री पर रोक, नाराज भीड़ का दफ्तर में हंगामा, फोर्स बुलानी पड़ी। एक फोटो छपी है जिसमें तमाम परेशान लोग खड़े हुए हैं रजिस्ट्री दफ्तर के बाहर, और नाराजगी बढ़ने के बाद जो फोर्स है उसके लोग भी दिख रहे हैं, यह दस्तावेज मांग रहे हैं, इस वजह से नहीं हो पा रही है रजिस्ट्री। दैनिक भास्कर लिखता है, 5-4 बिंदु उसमें दैनिक भास्कर बता रहा है, कृषि जमीन के लिए, दूसरा डाइवर्टेड प्रॉपर्टी के लिए, तीसरा नजूल जमीन के लिए, और चौथा है बिल्डर कॉलोनाइजर से रजिस्ट्री के लिए। तो एक प्रकार से देखिए लोगों की परेशानी है, मैं भी कुछ परिचितों को जानता हूं जो रजिस्ट्री करवाने भटक रहे हैं परंतु रजिस्ट्री हो नहीं पा रही। तो मैं सोचता हूं कि इस व्यवस्था को तत्काल प्रशासन को सुधारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने निजी तौर पर देखा किस तरह से एक हमारे परिचित बहुत ज्यादा परेशान हुए। तो नजरुल जमीन से लेकर के, खासकर ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज वगैरह की जो होती है रेस्पेक्टिव, इनके जमीन को ये जो परचेज करते हैं
और ये B1 मैं सोचती हूँ कि B1 में अपडेट नहीं होने की वजह से नाम प्रॉपर तरीके से जो बाद के बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। कोई सॉफ्टवेयर भी है भुइया जिसको शायद कहते हैं वो भी शायद अपडेट नहीं था और इस कारण भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। डिजिटल इंडिया तो हमने नारा दिया है पर उसको बिल्कुल अच्छे स्मूथ तरीके से चलाने में चीजों की बहुत दिक्कतें आ रही है तो बहुत कुछ किया जाना बाकी है अभी इस सब। निश्चित रूप से खासकर अब हम आगे बढ़ते नव भारत लेते हैं। आज नव भारत राजधानी को पढ़ते हैं क्या लिखता है नव भारत राजधानी। जी हाँ, परीक्षा में नकल करते पकड़े गए विद्यार्थियों के नतीजे होंगे शून्य। हाँ तो भाई नकलचियों हो जाओ सावधान, आपके नतीजे होने वाले हैं शून्य। और यह बहुत जरूरी था। बिल्कुल निश्चित रूप से फर्जी मार्कशीट में लोग चल रहे हैं और ऐसा तो विपक्ष आरोप लगाता है कि जो सत्ता पक्ष के कई नेता और जो नेत्रियां हैं उनके पास भी फर्जी डिग्रियां हैं। तो इस प्रकार से ये मुझे लगता है कि नतीजे शून्य होने से एक सकारात्मक परिणाम दिखेगा। और सही बात है, जो योग्यता है उसका कहीं ना कहीं से तो नकलची गला घोटते ही है। इन जो नकल करके आप अच्छे नंबर ले आते हैं और आपकी नौकरी जो है वह खा जाते हैं और जो योग्य आदमी है बेचारा मेहनत करके जो पढ़ता है वो बैठे रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। बिल्कुल निश्चित रूप से। जी हाँ, दूसरी खबर मैं चर्चा बिल्कुल करना चाहूंगा क्योंकि चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई और मेरे ख्याल से जो है प्रशासन के लोग भी जो है उनकी रुचि की खबर है। कलेक्टरों के खिलाफ शिकायत की जांच रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के हवाले। जी हाँ, देखिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो है कलेक्टरों के ऊपर वैसे ही उंगली उठ रही है कि वह भाजपा के लिए जो है चुनाव मोड करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने शिकायत करी थी क्या कुणाल जी? ये तीन कलेक्टर, तीन हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के। जी हाँ, ये सुकमा, बिलासपुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा कलेक्टरों की हुई थी शिकायत। तो अब देखते हैं जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द कार्यवाही किए जाने का जो है संकेत निर्वाचन आयोग दे रहा है। क्या कार्यवाही होती है यह देखने योग्य बात होगी। तो आज के नई दुनिया पे एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, शायद ये महत्वपूर्ण होगा। नई दुनिया जो है फ्रंट पेज में छाप रहा है, फ्रंट पेज में तो स्वाभाविक है भूपेश बघेल जी की एक बड़ी सी हेडलाइन लगी हुई है, उसके नीचे छोटा सा छपा है प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती के नाम का ऐलान किया है छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस ने। तो मैं इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं से ऐसा सुपघाट अब दिख रही है कि एक तीसरी शक्ति है पुनः अब जो है कांग्रेस भाजपा के बाद इस गठबंधन के बाद बसपा और जोगी कांग्रेस के गठबंधन के बाद उदय होती दिख रही है कहीं तो। क्या आपको लगता है क्योंकि इसके पहले बीएसपी का शेयर कितना करीब 3-4% था शायद प्रदेश में। वैसे क्या आपको लगता है कि इस गठबंधन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कांग्रेस या बीजेपी या किसी को भी? अब देखिए यह तो आने वाला समय बताएगा फर्क कितना पड़ता है, परंतु मैं खासकर 10 उन 80 सीटों की बात करूं 90 विधानसभा की छत्तीसगढ़ में से, जिसमें से 9 सीटों पर भाजपा ने फतह हासिल की थी और सिर्फ एक में ही कांग्रेस जीती थी। तो अब देखना होगा कि जो बसपा का हाथी और जोगी कांग्रेस का जो हल है वह कमल को हिलाता है या पंजे को गिराता है, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। बहुत बहुत, तो छत्तीसगढ़ में का चुनाव तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हर चुनाव की तरह ही, पर इस बार छत्तीसगढ़ इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर 3 साल से जो भाजपा स्थापित है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी स्ट्रांग है और कांग्रेस को इतना आक्रामक रूप में शायद छत्तीसगढ़ ने कभी नहीं देखा था। तो कांग्रेस का एक ये नया रूप आया है जो सामने, और साथ ही ये तीसरा मोर्चा खड़ा करने की भी कोशिश की जा रही है, तो इस बार का चुनाव तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या बताएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इतना आक्रामक कांग्रेस तो पिछले 15 सालों से मैंने नहीं देखा था। जितना आक्रामक कांग्रेस अभी दिख रहा है, जितना आक्रामक कांग्रेस सड़कों में दिख रहा है, उतना मेरे ख्याल से इसके पहले कभी नहीं था। निश्चित रूप से इस पूरे आक्रामकता का श्रेय मैं भूपेश बघेल को दूंगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं से एक प्रकार से मृत प्राय हो गई कांग्रेस को जीवित किया है। वहीं हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी अपनी विकास के बल पर उन्हें लगता है कि ये चौथी बार भी सरकार नया पार लगेगी। निश्चित रूप से उनको लगता है, तो वोटर्स आप डिसाइड करेंगे और समय बताएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, आज की चर्चा इतनी ही है, कल फिर बात करेंगे। अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आ रही है
तो प्लीज लाइक करिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, अपने कमेंट्स देते रहिए, और जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल की लाल घंटी है उसको दबाना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।